हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। एक बहुत ही ताजा और लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। जेएमएस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो कंपनी ने एक सप्ताह पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी निकाली है। वो वैकेंसी क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, मैं सब आपको बताऊंगा। आप डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो पे बने रहें। एक सप्ताह पहले जो उस कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं श्री प्रवीण प्रसाद यादव सर, उन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था। मैं इस लिंक्डइन का पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इनके कंपनी में सिविल ट्रेड, माइनिंग ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए। सैलरी 30K से 65K। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पोस्ट के लिए जेएमएस प्राइवेट कंपनी में, माइनिंग कंपनी में। अब यह कंपनी क्या है, क्या बनाती है, कितनी बड़ी कंपनी, इस कंपनी के बारे में हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि जो आपको जॉब मिलेगा, जॉब का लोकेशन महाराष्ट्र और उड़ीसा में होगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि इनका जो ये पोस्ट है, इनके पोस्ट के नीचे आपको कमेंट करना है इंटरेस्टेड। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इंटरेस्टेड कमेंट कर दिया, आप भी जाके इंटरेस्टेड कमेंट कीजिए। हालांकि इंटरेस्टेड कमेंट करने से कुछ होगा नहीं, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। पहले आप जेएमएस कंपनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, जो सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही नहीं, ये बहुत सारे गवर्नमेंट यानी कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडरी के साथ भी काम करती है, ईसीएल और सीसीएल के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड रिफर टू जेएमएस इज अ पायनियर एंड मार्केट लीडर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मास प्रोडक्शन इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग इन इंडिया, ठीक है। इनका दावा यह है कि ये कंपनी जो है ये सबसे पहले वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी है कंटिन्यूअस माइनर और बोल्टर माइनर का इंडिया में, ठीक है। अब इनके पास कौन कौन सा अभी प्रोडक्ट, इनका कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, कौन कौन सा खत्म हो गया, सारा चीज हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इनका जो अभी लेटेस्ट का प्रोजेक्ट है, सिंगरेनी कोलरी कंपनी लिमिटेड इंडिया टॉप 2 कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, एस्टिमेटेड क्लाइंट इनका, ठीक है। अब इनका हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट इनका जो है वो चल रहा है अभी तक, ठीक है। कैपेबिलिटी स्टेटमेंट इनका देख लेते हैं। 13 अंडरग्राउंड कंटिन्यूअस माइनर प्रोजेक्ट है जिसका टोटल प्रोडक्शन 5.7 मिलियन टन पर एनम है, और 2 अंडरग्राउंड बोल्टर माइनर प्रोजेक्ट है जिसका प्रोडक्शन 15,000 पर मंथ ईयर है। एक मेटल माइनिंग प्रोजेक्ट है इनके पास जिसका प्रोडक्शन 0.3 मिलियन टन पर एनम है, ठीक है। अंडर कमिशनिंग कोई कोई प्रोजेक्ट है जिसमें से 4 अंडरग्राउंड कंटिन्यूअस माइनर प्रोजेक्ट है, 1 वासरी प्रोजेक्ट है जो कि इसी कंपनी का है, और 2 कमर्शियल कोल ब्लॉक है जो जेएमएस के द्वारा ओन किया जाता है, जिसका ओनर जेएमएस है, उसका टोटल प्रोडक्शन 2 मिलियन टन है, ठीक है, टारगेट उनका। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इनका देखते हैं जो सीसीएल, एसईसीएल और ईसीएल के साथ इनका चल रहा है। देखिए सबसे पहला प्रोजेक्ट इनका झांझरा अंडरग्राउंड कोल माइन है, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का है ये, वेस्ट बंगाल में। आपको अगर ये सब का डिटेल चाहिए तो मैं इस कंपनी का भी लिंक वेबसाइट पे लिंक में दे दूंगा, वहां से जाके टोटल चीज इसका देख लीजिएगा। पहला इनकी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के साथ चल रहा है, सरपी अंडरग्राउंड कोल माइन के साथ भी इनका काम चलता है जो कि ईसीएल का ही है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का कुमार डी बी अंडरग्राउंड कोल माइन में भी इनका काम चलता है, इस कंपनी का काम चलता है। तो वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, आप कंपनी में जाके इसको देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, वीडियो पे बने रहे, मैं आपको बताऊंगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का विजय वेस्ट अंडरग्राउंड कोल माइंस में भी इस कंपनी का काम चलता है। हल्दीबारी अंडरग्राउंड कोल माइन जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है, उसमें भी इस कंपनी का काम चलता है। सीसीएल के कंपनी में भी इनका काम चलता है। देखिए ये बहरदबार अंडरग्राउंड कोल माइंस है, ठीक है। खरारी खैरा अंडरग्राउंड कोल माइन से जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है, इसमें इनका काम चलता है। और बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो अंडर कमीशन है, उसमें अभी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है झांझरा अंडरग्राउंड कोल माइन, पिपरवारी अंडरग्राउंड कोल माइन जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का है, मैंने आपको बोला था सीसीएल के साथ भी इनका काम चलता है, तो पिपरवार अंडरग्राउंड कोल माइन में इनका काम चलता है जो सीसीएल के अंडर आता है, ठीक है। चुरचा आरओ अंडरग्राउंड कोल माइन जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है, बहुत सारे कोल माइंस में इनका काम चलता है, बहुत ही बड़ा कोल माइंस है, आप ये मत समझिए कि छोटा मोटा है। इनका अपना एक कोल वॉशरी भी है, ठीक है, उर्तन नॉर्थ कोकिंग कोल वॉशरी जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो किसके द्वारा ओन करता है, जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने सक्सेसफुली कंक्लूड कर दिया है ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ, ठीक है, जिसमें चिरीमुरी अंडरग्राउंड कोल माइंस है जिनका काम इनका
खत्म हो चुका है, वहां पे कपिल धारा अंडरग्राउंड कोल माइन से वहां पे भी इनका काम खत्म हो गया है, शीतल धारा अंडरग्राउंड कोल माइन जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का है उसमें भी इनका काम खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पोस्ट को आपको अप्लाई कैसे करना, आपको करना कुछ नहीं है, अपना एक रिज्यूमे पीडीएफ वर्जन में स्क्रीन पे आपको जो मेल दिख रहा है career@jmsmining.com पे आपको अपना एक फ्रेश रिज्यूमे भेज देना है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप भेज सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं आपके पास एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि यहां पे फर्स्ट पेज में ही देखिए यहां पे लिखा हुआ है इन्होंने जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है इस कंपनी के उन्होंने साफ साफ लिख दिया बोथ एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर कैन अप्लाई। बहुत सारा अवार्ड इस कंपनी को भी मिला है, ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना टाइम को जाया किए हुए पहले जाके आप, मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहां से आप ओरिजिनली देख लीजिए कि क्या कंपनी है कैसे है, उसके बाद आप जाके अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहां पे ये ईएचएस अवार्ड जो सीआईए 2014 में कंडक्ट हुआ था उसमें ये कंपनी विनर था और ये दावा करता है कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अंडरग्राउंड कोल माइंस, प्राइवेट अंडरग्राउंड कोल माइंस इंडिया का। इस कंपनी का हाईएस्ट प्रोडक्शन एक दिन का 22,904 टन है और एक मंथ का 6,06,476 टन है और एक साल का प्रोडक्शन 63,49,291 टन पर ईयर है इनका हाईएस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप जाके जल्दी से जाके इस कंपनी में अप्लाई कर दीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, एक रिज्यूमे बस वहां पे डाल दीजिए, आपको उधर से रिस्पांस मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो ऐसे ही डे टू डे लाइफ टू लाइफ आपको अगर चाहिए, ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस नोटिफिकेशन को शेयर कीजिए।